ये तो आपने सुना था कि मोहब्बत में बदनाम होने के डर से कोई घर छोड़कर भाग गया, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला कि प्यार में रुसवा होने के डर से कोई बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया। मामला बाड़मेर जिले के बॉर्डर वाले इलाके कुम्हारों का टीबा का है, जहां का रहने वाला गेमरा राम अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। दोनों अक्सर छुप छुप कर मिला करते थे। कई बार गेमरा राम को अपनी प्रेमिका से मिलना महंगा भी पड़ा। लड़की के घर वालों ने गेमरा राम को कई बार पकड़कर पीट भी दिया, लेकिन उसने अपनी प्रेमिका से मिलना बंद नहीं किया। पिछले साल 4 नवंबर को भी गेमरा राम अपनी प्रेमिका से चुपके से मिलने पहुंचा, लेकिन पकड़ा गया और बदनामी के डर से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान भाग गया। गेमरा राम के परिवार का रो रो कर इतना बुरा हाल हो गया है कि परिवार चाहता है कि किसी भी तरीके से उसे हिंदुस्तान लाया जाए, चाहे यहाँ फांसी क्यों न हो जाए। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच के बाद एक बात साफ कर दी है कि गेमरा राम इस वक्त पाकिस्तानी जेल में बंद है, लेकिन कोई भी नेता इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गेमरा राम की घर वापसी कब होगी। गेमरा राम को पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ की गई, उसके बाद उसे पाकिस्तान की किसी जेल में बंद कर दिया गया। गेमरा राम एक पड़ोसी परिवार में ही उसकी लड़की, वो साथ में पढ़ता था, तो उस लड़की से लव अफेयर था। तो ये पहले भी वो पकड़ा गया था, तो घर वालों ने ओड़पा दिया। फिर ये जोधपुर चला गया, जोधपुर डेढ़ महीना रहा, फिर वापस 4 नवंबर को रात्रि आया, वापस उस लड़की के पास चला गया। तो लड़की के परिजनों ने उसको देख लिया तो उसको फिर वापस घर वालों को ओड़पा दिया, तो वो डर के मारे पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर गया। उसके बाद सर कुछ वापस बीएसएफ से कोई रिप्लाई आया? बीएसएफ को अभी कल पता चला है कि उन्होंने 5 तारीख को फ्लैग मीटिंग के मार्फत ये पाकिस्तान रेंजर्स ने स्वीकार किया है कि गेमरा राम हमारी कस्टडी में है। बेटे के पाकिस्तान जेल में बंद होने की खबर के बाद गेमरा राम के बूढ़े माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। एसपी से कलेक्टर तक अब वो अपने बेटे की वतन वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन लगभग 3 महीने गुजरने के बाद भी बेटे की वापसी की कोई उम्मीदें नजर नहीं आ रही। सरकार माई बाबू की अपील करो, की करा की कहनी चाहो सरकार, की कहनी चाहो? माँ बीमार, हाँ। टिकड़ी खाओ, जना साग उठानी, हमें जुलम ते की वसा से सम दादी बनी है, दादी बनी गई है सन, घना परेशान हो गया मान लड़को दा जा हुए रे दारे बच्चा इडा इडा उमर कौन मजूर करे लड़को 3 महीने दे दौड़े पूरा ही करिन दे किते की थियो छोकरो गायब थियो रो 4 तारीख रो शाम रो 2 बजे थियो 2:30 बजे थियो वे टाइम गायब थियो रो हूं तो घरे हतो कोनी खेती ने तो उए की बात हुई महाराज ने कहो ठीक है वो गांव वाली हुई बात रहे सामने माट के सन माट कराए 10-12 दिन माट था गेमरा राम का परिवार उसकी वतन वापसी के लिए अधिकारियों से लेकर नेताओं तक के दरवाजे पर माथा टेक रहा है। हर जगह से बस आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि गेमरा राम को सकुशल वापस ले आया जाएगा। पूरा परिवार इस कदर परेशान है कि सुबह से शाम तक सिर्फ उसकी वापसी के लिए दर दर की खाक छानने को मजबूर है। तब पता चला कि पाकिस्तान गया है, सभी से मैंने बताया, वही पता चला था। उसके बाद किस तरीके से उसको लाने के लिए? उसको लाने के लिए हम तो थाने भी गए थे और एसपी के पास भी गए हैं और कलेक्टर साहब से भी मिले हैं और मानिंदर सिंह से भी गुहार लगाई है, इसके लाने की अपील की है और अब यही अपील है सरकार से कि मेरा भाई मुझे वापस लौटाए। गेमरा राम के घर वाले अब उस गुजरे वक्त को कोस रहे हैं, आंखों में आंसू लिया ये परिवार अब यही कह रहा है कि काश गेमरा राम को उसकी मोहब्बत से दूर न किया होता तो आज उनके बेटे की जान यूं आफत में न पड़ती। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश बोरा की रिपोर्ट।